सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च। आज हम लोग देखने वाले हैं दवा के डीवीआर का पासवर्ड आप कैसे रिकवर करोगे या ब्रेक करोगे अगर आप दवा के डीवीआर का पासवर्ड भूल गए हो तो। इसके लिए आपको सिर्फ लगने वाला एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन, एक एंड्रॉयड ऐप आपको डाउनलोड करना है। आपको कोई कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं लगने वाला। इस एंड्रॉयड ऐप के बारे में मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप किसी भी डीवीआर के पासवर्ड ब्रेक करने के लिए एंड्रॉयड ऐप यूज़ कर सकते हो, या कुछ सॉफ्टवेयर्स बताए थे जो डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर्स थे। बट बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि दिक्कत आ रही है उन्हें दवा के और सी पी प्लस के डीवीआर को का पासवर्ड ब्रेक करने में, या किस तरीके से यूज़ करना चाहिए वो बताओ, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। तो उस रिक्वेस्ट पर ये वीडियो आज का बन रहा है। तो चलिए देखते हैं हम आज की वीडियो में कैसे हम दवा के डीवीआर का पासवर्ड ब्रेक करेंगे सिर्फ एक एंड्रॉयड ऐप से 5 मिनट। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करो ताकि आपको सभी टेक्निकल वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। और बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है, उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप प्लेलिस्ट चेक करो, सीसीटीवी टेक्निकल ट्रेनिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चेक करो, वीडियोज़ चेक करो, वीडियोज़ के टाइटल्स चेक करो, डिटेल चेक करो, आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो। और अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है आपको प्लेलिस्ट में, तब आप मुझे मैसेज करो, मुझे वो मैसेज रिसीव हो रहे हैं जो ऑलरेडी जिस पर वीडियो बना हुआ है। आप लोग पूछ रहे हो कि भाई ये वीडियो किधर है, इसका सोल्यूशन बताओ, तो आप पहले प्लेलिस्ट चेक कर लो। अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा है सोल्यूशन, तब आप मैसेज करो, आपको उस पर सोल्यूशन दिया जाएगा। सीसीटीवी से हटकर अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए, कंप्यूटर लैपटॉप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, उसके लिए भी हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें आपको आपके सारे रिक्वायर्ड वीडियोस मिलेंगे। टेक्नो सर्च चैनल का मकसद यही है कि उन लोगों को सपोर्ट करना, उन लोगों को हेल्प करना जो टेक्निकली काम करना चाहते हैं, जिसमें कंप्यूटर लैपटॉप सॉफ्टवेयर सीसीटीवी बायोमेट्रिक सारे ही सोल्यूशन आते हैं। और जो सोल्यूशन हम लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पर नहीं दिए, वो भी इन फ्यूचर हम लोग बहुत जल्द देने वाले। हम लोगों की प्लेलिस्ट ऑलरेडी, बहुत सारी प्लेलिस्ट की प्लानिंग चल रही है। अभी बायोमेट्रिक के सोल्यूशन पर और अटेंडेंस और एक्सेस कंट्रोल के सोल्यूशन पर प्लेलिस्ट आने वाली है। अगले वीक आपको वो प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगी। सो फ्रेंड, हम लोग देखने वाले हैं ये जो दवा का डीवीआर है आप देख रहे हो लगा हुआ स्क्रीन पर, दवा का डीवीआर का आपको लोगो शो हो रहा है। इस डीवीआर का हम लोग पासवर्ड ब्रेक करने वाले हैं, वो भी सिर्फ मोबाइल फ़ोन से। आपको किसी कस्टमर केयर से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, आपको किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कोई सॉफ्टवेयर रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बस आपको एक प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना है और उस एंड्रॉयड ऐप की मदद से आपको डीवीआर का पासवर्ड रिसेट करना है, दवा के डीवीआर का। किसी भी दवा के डीवीआर का आप इससे पासवर्ड रिसेट कर सकते हो, मैक्सिमम मॉडल्स को ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर देता है। आप देख रहे हो दवा का डीवीआर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे मेन मेनू पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट यूज़र है 8888 वाला, एक 8666666 वाला यूज़र है, एक एडमिन यूज़र है और एक एडमिन वन है। ये जितने भी यूज़र्स है, ये यूज़र इस डीवीआर पर लॉगिन नहीं होंगे। अगर आप इसको चेक कर लोगे, इसका पासवर्ड था 123456, तो ये लॉगिन नहीं हो रहा है। एडमिन का पासवर्ड सेट किया हुआ था admin123, ये भी लॉगिन होता है या नहीं होता है देख लेते हैं हम एक बार। नहीं हो रहा है, इनवैलिड पासवर्ड बता रहा है। और जो एडमिन वन था, इसका पासवर्ड था admin1, ये भी लॉगिन नहीं हो रहा है। देखिए ये तीनों चारों भी पासवर्ड यहाँ पर इनवैलिड बता रहा है। और ये जो 666 वाला अकाउंट है, ये गेस्ट अकाउंट है, तो ये अकाउंट अगर आप लॉगिन करते हो तो आप कुछ इसमें मतलब सिर्फ लाइव व्यू देख सकते हो, कोई इसमें मेजर चेंजेस आप नहीं कर पाओगे, एडमिन अकाउंट नहीं है। तो अब ये जो अकाउंट है, हमें एडमिन का जो पासवर्ड है ये रिसेट करना है, और उसे सुपर पासवर्ड से हमको रिसेट करना है। तो हम देखते हैं कि भाई कैसे करेंगे मोबाइल से। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, जैसे कि आप मोबाइल में देख रहे हो। प्ले स्टोर में आपको सुपर पासवर्ड टाइप करना है। सुपर पासवर्ड टाइप करने के बाद जो सबसे पहला एप्लीकेशन आपको मिलेगा सीसीटीवी सुपर पासवर्ड, वो आपको इंस्टॉल करना है। मैंने मेरी पिछली वीडियोस में भी आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताया था। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि सर उस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करते हैं, आप ज़रा बताइए। और बहुत से लोगों ने ये भी कहा था कि कुछ डीवीआर को वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ मॉडल्स को, जिसमें किसी ने कहा था कि भाई दवा को ठीक से सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आज हम दवा का ही एक्सपेरिमेंट दवा के डीवीआर का एक्सपेरिमेंट इसीलिए कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन बहुत ही छोटा है, जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। ओपन पर क्लिक कर दीजिए आप, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है, इसमें आपको क्लिक करना है दवा पे। यहाँ पे आपको बहुत से डीवीआर की लिस्ट मिलती है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली जो डीवीआर के ऊपर आपको जो डेट टाइम दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना है, बस इतना ही करना है, और आपको मिल जाएगा आपका सुपर पासवर्ड। तो यहाँ पे जो डे बता रहा है, ये बता रहा है 20
यहाँ पे जो डेट बता रही है DVR पर, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, जो डेट है वो 28 है, तो मैं यहाँ पे 28 डाल देता हूँ। मंथ जो दिया हुआ है वो 9th है, सितंबर बता रहा है, 9th मंथ डाल देते हैं और ईयर डाल देते हैं 2020 जो दिया हुआ है DVR की स्क्रीन पर। अब आपको मैं क्लियरली मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाता हूँ, मैंने 28/09/2020 डाल दिया और ये सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे तीन पासवर्ड आपको मिलते हैं, पहला पासवर्ड है 538816, दूसरा पासवर्ड है 795520, तीसरा पासवर्ड है 010944। तो हम ये तीनों भी पासवर्ड बारी बारी ट्राई करते हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा वर्क करता है। और ये सभी पासवर्ड सिर्फ एडमिन अकाउंट पर चलेंगे, 8888 वाले अकाउंट पर नहीं चलेंगे या किसी दूसरे अकाउंट पर नहीं चलेंगे, क्योंकि एडमिन का जो अकाउंट होता है ये बाय डिफॉल्ट अकाउंट होता है। तो यहाँ पे मैं पहला पासवर्ड ट्राई कर रहा हूँ 538816। देखिए पहला पासवर्ड इनकरेक्ट बता दिया, इनवैलिड बता दिया। अब मैं दूसरा पासवर्ड ट्राई कर रहा हूँ 795520। देखिए दूसरे पासवर्ड पर ये DVR ओपन हो चुका है। इसके बाद आप तीसरा पासवर्ड भी ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ मेन मेन्यू यूज़र को और वापस से मैं मेन मेन्यू पे जाता हूँ, उसके बाद एडमिन अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ और तीसरा पासवर्ड हम यहाँ पे ट्राई करते हैं 010944 010944। देखिए दो और तीन नंबर के पासवर्ड इस पर चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको तीन पासवर्ड मिलते हैं मोस्टली, जिसमें से दो पासवर्ड काम कर रहे हैं, मतलब आपके पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ DVR की डेट आपको डालना है और आपको पासवर्ड मिल जाएगा आपके दवा के किसी भी मॉडल के लिए। मैक्सिमम मॉडल्स पे ये फार्मूला सपोर्ट करता है और आप इसकी मदद से ये पासवर्ड ब्रेक कर सकते हो किसी भी DVR का। अब एक बार अगर आप पासवर्ड ब्रेक कर लेते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जो भी आपका अकाउंट है उसका पासवर्ड चेंज कर देना है, क्योंकि ये पासवर्ड आपका जो वैलिड रहता है ये सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड रहता है। तो आप एडवांस ऑप्शन में जाएं, वहाँ पे अकाउंट्स में जाएं और अकाउंट में जाके आपको एडमिन अकाउंट जो है उस एडमिन अकाउंट को आपको मॉडिफाई कर देना है पासवर्ड, उसका मॉडिफाई पासवर्ड पर आप क्लिक करोगे और जो ओल्ड पासवर्ड में आप डालोगे वही पासवर्ड जिससे अभी आपने लॉगिन किया है। अगर फॉर एग्जांपल आपने दो नंबर के पासवर्ड से लॉगिन किया है तो आप यहां पर दो नंबर का पासवर्ड डालोगे 795520 और यहां पे वो पासवर्ड आप सेट करोगे जो आपको नया सेट करना है। तो मैं यहां पे सेट कर देता हूँ एडमिन 123, क्योंकि पहले भी सेट किया हुआ था लेकिन चल नहीं रहा था किसी कारण। यहां पे सक्सेसफुली मॉडिफाइड द पासवर्ड का यहां पर मैसेज भी आ चुका है, ओके कर दीजिए। अब हम एक बार वापस से लॉग आउट करके देख लेते हैं कि जो नया पासवर्ड सेट किया है वो वर्क कर रहा है या नहीं। मेन मेनू पे क्लिक करेंगे, एडमिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो नया पासवर्ड आपने सेट किया है एडमिन 123 उस पर क्लिक करेंगे, ओके। देखिए ये पासवर्ड सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने सिर्फ मोबाइल फ़ोन से अगर आपका DVR का पासवर्ड भूल गए हो तो आप उसे रिसेट कर सकते हो और नया पासवर्ड उसकी जगह पर कॉन्फिगर कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट। तो होप सो फ्रेंड ये वीडियो से आपको हेल्प मिलेंगी किसी भी दवा के DVR के पासवर्ड को रिसेट करने में या रिकवर करने में। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो वीडियो में इन्फॉर्मेशन शेयर की गई वो आपके ज़रूर काम आएंगी। अगर आप किसी तरह का क्वेश्चन करना चाहते हो, कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, Instagram और Facebook पर भी आप मैसेज करके बता सकते हो। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।